सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर शर बोल संते दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुण्ड त्रिशूलचंद्रा हृदय महामृषवाहिनी
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूरकृकटमृदे महाशक्तिदले नगे कौमारे रूपसन्धाने नारायणी नमस्ते शङ्खचक्रगदाचार्यकृहेतपरमायुले प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणी नमस्ते गृहोग्रमहाचक्रधृष्टाधृतवसन्दरे वराहरूपनिर्जये नारायणी नमस्ते नृसिंहरूपेण अग्रेण अन्तर्धृत्याङ्कृतोत्तमे त्रैलोक्यदानसहिते नारायणी नमस्ते क्रीडली महावज्रे सहस्रवेणाचले वृत्रप्राणारे चन्द्रे नारायणी नमस्ते शिवरूपे स्वरूपेण हतधृत्या महाबले गौररूपे महाराजे नारायणी नमस्ते विश्वाकराधवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मन्दमठने नारायणी नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शब्दे भक्तिस्वदर्शने महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमस्ते मेदे सरस्वतीवरे भूतिभावितामसे नियते त्वं प्रतिदेजे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैश्वत्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतच्चैवदनं सौम्यं लोचनं तयोजितं पातु नः सर्ववेदेभ्यः कात्यायणी नमस्ते ज्वालाकरालमध्यग्रमजयशासुरसोधनं त्रिशूलं पातु नो हेते वज्रकाली नमस्ते इनन्ति दर्शधेयासि स्वनेना पूरया जगत् स्वाखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुरानिव अधुनाश्रीवसाङ्गजस्यधस्यैकराजनः शुभाय गर्भोपदजण्डिखेदाङ्गलाभयम् रोगानशेषानपहान् चतुष्टा रुष्टानुगामान् सकलानवेशान् त्वामाजृतानां नविपान् नराणाम् त्वामाजृतायाशयतां प्रयान्ति एताग्रसंज्ञाकरणं प्रयाद्य धर्माजृतां देवि महासुराणां रूपेणैके बहुधा त्वमोदे कृत्वाभिभेदा प्रकरादिकान्यां विद्याशास्त्रेषु गुणे गदिवे स्वार्थेषु हाके सुतकादलन्या महात्वघते महान्धकारे विभ्रामयते तदीवमेषम् रक्षान्धिहत्वाघविषाक्षनागा यच्छारयोदस्वबलानि यत्र दावानलो यात्र ददाद्विमध्ये तत्रास्ति दादां परिपाशिशम् विश्वेश्वरीदां परिपाशिशम् विश्वात्मिकाधारयसेदिशम् विश्वेश्वन्द्या भवदेव वन्दे विश्वाश्रयाये त्वरिवार्तिनम्र देवी प्रदेशपरिपालयनोरवीते नित्यं यथा सुवदा जधुने वदद्य पापानि सर्वजगदां प्रथमं नयाद उत्पादपादजनिता च महापसर्गान् प्रकारं प्रसीदतं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामे जय लोकानां वरदा भव दिव्यो वाच वरदाहं सुरगणा वरं जन्मनये तदा त्वं मृगत्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवाहोजो सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यजागरेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् दिव्यो वाच देवस्वजन्तरे पादे अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निजम्बे वन्य उत्पश्येते महासुरौ
सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती की पूजा मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत मां भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें। मां भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण मां भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां की कृपा से मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं।
आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान आघ्रमितो वा वादेन तदा बोधे महने
भगवते चंडिका चंद्र विक्रमा अथ दुर्गा पत्थर सुख
Oh,
Okay.
उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रिय बंधु, वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मण कुल कर्म करते हुए ऐसे परम स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की भक्ति करने का, माँ की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही वास्तव में मनुष्य जो है परम कल्याण को प्राप्त हो सकता है। भगवान के नाम का जप करना, ध्यान करना, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करना, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन माँ को नमस्कार करना, घर परिवार में बड़ों का मान सम्मान करना, उन्हें प्रणाम करना, आशीर्वाद प्राप्त करना, तो ऐसा करने से मनुष्य की जीवन यात्रा जो है ये सुगम बनी रहती है और जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। जिस साधना का फल होता है इंद्रियार्थ से वैराग्यम अहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम,
ये कुछ ऐसे उपदेश दिए गए हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जो है कहीं भी किसी भी चाहे वह धन संपत्ति ही आसक्ति जो है चाहे घर परिवार ही आसक्ति जो है इंद्रियासु वैराग्यम अहंकार में विच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शनम इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में जो है आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव। कभी अहंकार ना करें। इस सारे जितनी जो भी आप देखते हैं चाहे परिवार है धन संपत्ति अन्य जो भी जिसमें आप व्यक्ति बहुत मोह करता है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, वास्तव में संसार में जो मिलता है मिली हुई वस्तु का वियोग निश्चित है। ये शरीर मिला हुआ है इसके वियोग है, धन संपत्ति मिलती है इसका वियोग है, परिवार मिलता है इसका भी वियोग है। तो इसलिए जब व्यक्ति इनमें आसक्त हो जाते हैं तो फिर वियोग सहना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शनम, जन्म कि इस जीव का जन्म होता है और फिर उसका मरण भी निश्चित है। दुख फिर कहता कहा है कि जरा व्याधि कि रोग जो है ये भी आते, ये तो है नहीं कोई किसी को रोग नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ जो है व्याधि जो है वह दुख देती है। जरा व्याधि जरा होती ही जर्जर अवस्था ये वृद्धावस्था जब आ जाती है, व्यक्ति चलने में असमर्थ हो जाता है, सुनने में असमर्थ हो जाता है, देखने में असमर्थ हो जाता है, ये जो है परिस्थिति जो आती है इनके दुख जो दोष जो आते हैं इनका जो है हमेशा जो है व्यक्ति को बार बार विचार करना चाहिए। मेरा जीवन क्या है, मैं किस लिए यहाँ पर आया, मुझे करना क्या है, और इस प्रकार से ये जीवन यात्रा जो कैसी होगी, सब प्रतिदिन जो हर व्यक्ति जो जो देख रहा है। और इसी संदर्भ में आपका दृष्टांत दे रहा हूं। कहते कि एक विश्वंग नाम के एक राजा थे, बड़े धर्मशील राजा थे, प्रजापूर्ण सुखी थे। इनके राज्य काल में सभी जो है धर्म के मार्ग पर चल धर्म अनुकूल कर्म किया करते थे, कोई दुखी नहीं था। अब जो है इस तरह से राजा जो थे इनके कोई संतान नहीं थी, बस एक ही अभाव था, संतान नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु राजा बड़े धर्मशील राजा थे, वह प्रतिदिन जो है वन में एक संत रहते थे, उस संत के पास जाया करते जाते थे, उनके चरण में बैठना, उनको प्रणाम करना, थोड़ी देर बैठना, चले आना, इस प्रकार से एक निजम बना लिया था कि प्रतिदिन वह संत महाराज जी के पास जाते थे उनको प्रणाम करने के लिए, कोई बात करते नहीं। बहुत समय बीता, एक दिन संत महाराज जी से पूछा कि आप जो है प्रतिदिन जहाँ पर आते हैं बतलाइए तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहते हो। संत प्रसन्न हुए तो पूछ लिया क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा महाराज मेरे राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु मेरे संतान नहीं है, मैं संतान सुख चाहता हूं। संत महाराज ने कहा कि आप जो है यज्ञ कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, भगवान की कृपा होगी, आपके घर में संतान हो जाएगी, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। बोलो सच्चे द्रवारी की जय। संत महाराज ने आशीर्वाद दिया और जो है वह वापस लौटा, यज्ञ किया और यज्ञ के फल स्वरूप जो है उनके घर संतान हुई, संतान सुख की प्राप्ति हुई, पुत्र हुआ और उसका नामकरण संस्कार किया तो नाम रखा जनार्दन। अब वह बालक जो था बड़ा होनहार बालक था, कुशाग्र बुद्धि, बड़ा ही मेधावी था और बहुत ही अल्प समय में ही उसने समस्त ज्ञान जो था वह प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से राजा की खुशी का भी ठिकाना नहीं। एक दिन अब बालक बड़ा हो चुका है तो उस बालक को लेकर के राजा जो थे वह संत महाराज के पास गए, जाकर के जैसे पहले करते थे राजा ने महाराज जी को प्रणाम किया और पिता को देख करके पुत्र ने भी प्रणाम किया। जिस संस्कार होते हैं माता पिता जैसा करते हैं वैसे बच्चे भी सीखते हैं, माता पिता मंदिर जाते हैं वहां प्रणाम करते हैं तो छोटा बालक भी है प्रणाम अपने आप करने लग पड़ता है कि पिता प्रणाम कर रहे हैं तो पुत्र भी अपने आप करेगा। ये संस्कार माता पिता से मिलते हैं और यही आशीर्वाद जो है उन बच्चों को संतान का कल्याण करता है।
अब जो है बच्चे ने प्रणाम किया, संत महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो राय ने कहा, महाराज आपने आशीर्वाद दिया था और यज्ञ करने के लिए बतलाया, यज्ञ संपूर्ण हुआ और यज्ञ फल स्वरूप जो है आपका आशीर्वाद से जी पुत्र रत्न जो है जो मुझे प्राप्त हुआ, संतान सुख की प्राप्ति हुई है और मैं आपके पास से लाया हूँ, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसको ज्ञान दीजिए। संत महाराज ने आशीर्वाद दिया, उसकी ओर देखा और फिर जो है जी श्लोक जो उसने बोला संत महाराज ने, इंद्रियार्थ वैराग्यम अनहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। किस प्रकार से ये जन्म क्या है, मृत्यु जी जो है, व्याधि और जरा अवस्था जो है, इसको जीवन में याद रखना, बार बार स्मरण करना इसका। इस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद देते हुए तब जब उसकी ओर देखा तो संत महाराज ने उसे कहा, जे आपका बालक जो है कहीं योग भ्रष्ट है, पूर्व जन्म का योगी था, तपस्वी था, इसका तप छूट गया और आपके घर में इसका जन्म हुआ है, ये एक दिन जो है बहुत बड़ा महापुरुष होगा, तपस्वी होगा, बहुत बड़ा महापुरुष होगा। संत महाराज ने आशीर्वाद दिया और राजा और बालक जो है वापस लौटे और राजा चिंता करने लगे, कहें मेरा पुत्र जो कहे संत न बन जाए तो जल्दी से शादी कर देंगे इसकी। तो जल्दी से जो है कहते 18 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसका विवाह कर दिया। एक दिन जो है वह अपने मंत्री के साथ बाहर गए हुए थे, तो चलते हैं कि घर के अंदर ही उनकी सारी जो है शिक्षा दीक्षा हुई और जो है एक दिन मंत्री के साथ जो है जिसका नाम विद्याधर था, विद्याधर उसको घुमाने के लिए ले गए। अब घुमाने के लिए जो है नगर से बाहर गई, अब चलते चलते जो है वह कहते हैं कि सामने से रथ पर बैठे हुए थे तो सामने से एक कोढ़ी व्यक्ति जिसको कोट पड़ा हुआ है और हाथ पैर की उंगली जो है इस प्रकार से हो चुकी है, कुछ तो गिर चुकी है और ऐसा कोट पड़ा हुआ है देखने में असमर्थ है। इस प्रकार से ऐसा कोढ़ी व्यक्ति जो उसे देख करके उस बालक ने जनार्दन ने कहा, महाराज ये कौन है? तो उन्होंने कहा, महाराज ये कोढ़ी व्यक्ति है, ये कुष्ठ रोग से जिस प्रकार से ये कष्ट में ही कुष्ठ रोग जो लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा, ये क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को पूर्व जन्म के बड़े कोई पाप होते हैं उसका फल होता है, इस प्रकार से ऐसा कोढ़ पड़ जाता है, इस कष्ट इस दुख को वह भोगता है। तब उसने पूछा कि जी ऐसा रोग तो क्या मुझे भी लग सकता है? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा राजकुमार, आप तो पुण्यात्मा हैं। फिर उसने पूछा कि नहीं हो तो सकते हैं, कहीं मेरे भी पाप होंगे और पाप यदि इस प्रकार से वो सामने आ गए तो क्या मुझे भी ये रोग भोगना ही पड़ेगा? तो उसने कहा, यदि ऐसा होगा, यदि कोई पाप कर्म होंगे तो इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता, सबको भोगना पड़ता है। आगे बढ़े वहां से तो जो है आगे चल करके देखते हैं कि एक 90 वर्ष का व्यक्ति जर्जर अवस्था जरा अवस्था जो है कि चलने में असमर्थ, हाथ में लाठी ली हुई है, हाथ पैर कांप रहे हैं, देखने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है, ऐसी अवस्था जो है। तब उन्हें पूछा, भाई ये कौन है? कभी बूढ़ा देखा नहीं था। उसने कहा कि 90 वर्ष का एक बुजुर्ग है, अब इसकी अवस्था जब 90 वर्ष की हो चुकी है तो ये स्थिति आ गई है। तब वह पूछता कि ये स्थिति मेरी भी आ सकती है? तो कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो दीर्घायु को प्राप्त हो, इस प्रकार से ऐसा कौन है कि जब इतनी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो स्थिति। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होता है। अब ये बातें बतलाते हुए आगे वह बढ़ते हैं, आगे वह चल करके देखते हैं कि क्या है शमशान भूमि। शमशान भूमि एक ओर से एक जुलूस आ रहा है, कुछ लोग जो हैं वे चार लोग जो हैं एक व्यक्ति को उठाए हुए हैं, बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और बोलते हुए जा रहे हैं कि राम नाम सत्य। तब जो है उसने पूछा, भाई ये कौन सा स्थान है, ये जुलूस कैसा आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि शमशान भूमि है, जहां पर क्या होता है? तो उसने कहा कि जहां पर जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसको जहां ला करके जला दिया जाता है। मृत्यु क्या होती है? तो उन्होंने कहा, देखिए जो जीवात्मा जो है शरीर के अंदर विद्यमान है,
जब जीवात्मा चली जाती है तो ये शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जो है परिवार के लोग जो हैं उसे उठा करके जहाँ पर ले आते हैं श्मशान घाट में और जहाँ करके उसका संस्कार कर देते हैं, इससे बेहतर श्मशान भूमि। तो जुलूस कैसे है, जो लोग जो हैं किसी की मृत्यु हो गई है और जिससे जहाँ श्मशान भूमि में जहाँ पर ला रहे हैं जलाने के लिए, तब पूछा कि पीछे जो लोग रो रहे हैं किस लिए रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो नौजवान व्यक्ति है इसकी मृत्यु हो गई और जो है जो लोग इनके पिता हैं सखा भाई बंधु हैं जो इनसे बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए अब इनका वियोग हो गया है, अब जो द्वारा इनको मिला नहीं क्योंकि बिछड़ चुका है, अब जहाँ पर आकर के इसको दाह संस्कार करके जो चले जाएंगे अब जो मिलेगा नहीं उसी दुख में जो है वह रो रहे। तो कहने लगे कि जी मृत्यु तो क्या मेरी भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं राजन, कुमार तुम्हारी दीर्घायु हो, आप तो पुण्यात्मा है। उसने कहा फिर भी कितनी आयु हो सकती है, मृत्यु तो निश्चित है, जिस सब जब हो सकते हैं ऐसे चलते चलते जिस सब बातें जो है अब यह बालक देख रहे हैं और हो क्या रहा है उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। जो संत महाराज ने कहा था कि आगे चलकर ये बालक जो है बहुत बड़ा वैरागी संत होगा, ये पिछले जन्म का इसका जोग जो है ये छूट चुका है और आगे चल करके आप जो बहुत बड़ा संत हो बहुआ जी वैरागी संत। अब जो है वहां से चले हैं और फिर वापस लौट रहे हैं, वापस लौटते हुए अब एक संत महाराज जी के दर्शन हुए। संत महाराज जी जो है बड़े आनंद में हैं, प्रसन्नचित हैं। इस प्रकार से अब जब उसको देखकर उन्होंने कहा कि ये कौन है, उन्होंने कहा ये जो है जीवन मुक्त जो है विरक्त महात्मा है। ये विरक्त महात्मा क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये भजन करके ध्यान करके भगवान की आराधना करके जब पाठ करके जो है अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया है, ऐसे संत जो है वह महात्मा जो है जी वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि कल्याण किसे कहते हैं, किसका कल्याण जो है, तो वह कहते हैं विवेक वैराग्य और जो है भजन ध्यान आदि के साधनों से जो है होने वाले इस परम शांति। क्योंकि जब व्यक्ति जो साधना करता है जब करता है भगवान की आराधना करता है प्रार्थना करता है इससे क्या मिलता है, आत्म शांति आत्म सुख मिलता है। इसने जो ऐसा कर करके जो सब जो साधना कर करके ये आत्म सुख जो आत्म शांति प्राप्त कर ली है। व्यक्ति के पास बहुत कुछ होते हैं परंतु आत्म शांति नहीं होती, आत्म शांति के लिए हम करते ही कुछ नहीं। कि प्रतिदिन जो है हम प्रातः काल उठते हैं पहले ये होता है कि झट से हमें चाय मिले नाश्ता मिले इस शरीर को चलाने के लिए, दोपहर को भोजन समय से चाहिए, रात्रि को भी भोजन समय से चाहिए, इस प्रकार समय समय पर जो है दूध भी चाहिए चाय भी चाहिए हर वस्तु चाहिए इस शरीर को चलाने के लिए, परंतु आत्मा के लिए कभी कोई विचार नहीं करता। आत्मा दिन रात भूखी रहती है, फिर कहते हैं सब कुछ है परंतु आत्म शांति नहीं आत्म सुख नहीं, आत्मा के लिए हम करते ही कुछ नहीं। तो प्रतिदिन प्रातः काल जुड़ करके इसलिए कहा शास्त्र में प्रातः काल उठते हैं स्नान करें और फिर माँ की जोज गए माँ का ध्यान करें भजन करें जप करें नाम जप। नाम जप जो है ये आत्मा का भोजन है, इसका जो नाश्ता है। जब आत्मा के लिए हम कुछ करते नहीं आत्मा दुखी रहती है तो आत्मा शांत कैसे होगी। तो प्रातः काल उठते जो है इस प्रकार से जब भगवान का भजन करते हैं उसके उपरांत जो है फिर आप भोजन करते हैं, फिर देखिए जीवन में कैसे रिद्धि सिद्धि होती है, परिवार में घर गृहस्थ मंगल मंगल रहते हैं आत्म सुख बना रहते हैं, कभी मन अशांत नहीं होता आनंद आनंद होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि सब ज्ञान हो जाता है कि संसार क्या है, उनको आसक्ति होती नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ऐसे जो महात्मा जिसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया है और जो इस प्रकार से कर करके जो धन्य है ऐसे संत जो है, धन्य है ऐसे गृहस्थ जो ऐसे प्रकार से घर में भगवान की आराधना होती है जब पाठ होते हैं भक्ति होती है और वे लोग जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, फिर उनको इस संसार में जो है बार बार जन्म मन का जो चक्कर नहीं काटना पड़ता, ये महात्मा होते हैं ये तपस्वी होते हैं आत्म कल्याण करने के लिए, ये भजन है भक्ति है भगवान की साधना है भगवान की आराधना है ये करना चाहिए। तो उसने पूछा कि ये मैं भी कर सकता हूँ, कि हाँ बेटा आप भी कर सकते हो। अब जो है ये सब जो है सुन करके जब देख करके अब जो है बालक घर पहुंचा, घर आया तो उसकी पत्नी जो विवाह हो चुका था, पत्नी गर्भवती थी
बच्चे का जन्म हुआ, जिस सब देखा बच्चे का जन्म होते ही उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बच्चे का जैसे जन्म हुआ तो वह चिल्लाने लगा। तब जी सब देख करके, ऐसा कष्ट देख करके, और कैसे जन्म क्या होता है, तो इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म, जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेते हैं उस मल मूत्र में रहता हुआ कैसे 9 महीने रहते हैं, फिर जब यही इस संसार में आता है कितने कष्ट में वह बाहर आता है, फिर जो कुछ संसार में आकर के बालक बोल तो सकता नहीं, अपनी बात व्यथा सुना नहीं सकता है, करता क्या, रोता है, भूख लगेगी तो रोएगा, बुखार होगा तो रोएगा, कोई वेदना पीड़ा होगी तो रोएगा, तो फिर परिवार वाले देखे पता नहीं क्या हो रहा है इसको, अपनी बात बता नहीं सकता, मुझे कष्ट क्या हो रहा है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए, दूध चाहिए, कुछ नहीं, रोएगा। तो माँ जो है अनुमान लगाती है इसको भूख लगी होगी, इस समय दूध पिलाने पर जब चुप नहीं होता तो अवश्य कोई पेट में दर्द हो रही है, जहाँ फिर शरीर को हाथ लगा के देखे घर में है तो बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी व्यथा बतला नहीं सकता, ऐसा दुख बोलने लग पड़ता है। फिर जो है संसार में जो है फिर ज्ञान अर्जित करना, फिर जब धन कमाना, फिर विवाह करना, फिर परिवार में उसी में फंस जाना, जिस प्रकार से धीरे धीरे जैसे बालक, आप देखिए बाल्यकाल, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था कैसे आएगी पता नहीं चलता, आप जो बड़े बैठे हैं देखिए कल तक आप बालक थे आज किस अवस्था में है, और फिर ऐसी परिस्थिति हो जाती है देखने में असमर्थ, सुनने में असमर्थ, चलने में असमर्थ है, और जब परिवार कहते हैं तो ये असमर्थ हो गया है, अब खाने में असमर्थ है, दांत भी टूटने लग पड़े हैं, तो सिर के बाल पक चुके हैं, अब समय आ गया है मृत्यु का। ये चार चीजें जो है प्रत्येक वस्तु में जो रहती है, जन्म ही, मृत्यु, जरा, व्याधि, और आत्मा जो है ये अजर है, अमर है, ये दूसरे शरीर में चली जाती है, इसका ना जन्म है ना मरण है। तो जन्म मृत्यु, अब देखिए कि मकान है, मकान का क्या होता है, मकान बनाते हैं, मकान तैयार हुआ तो ये उसका जन्म हो गया, फिर जो है कहीं से टूट फूट हो गई, कहीं के टूटना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, तो यही आप उसकी मरम्मत करवाते हैं, अर्थात जब व्यक्ति को कोई रोग लगता है उसका उपचार करवाते हैं तो वह ठीक हो जाता है, ऐसे ही मकान भी मरम्मत करते हैं वह ठीक हो जाता है। फिर एक ऐसी अवस्था आती है जरा अवस्था, जो बिल्कुल जर्जर हो जाता है और बिल्कुल ही गिरने के लिए गिरने लग पड़ता है, उस अवस्था में कहिए जब गिर गया तो उसकी मृत्यु होगी। ऐसे जो है चाहे मकान जड़ वस्तु है चाहे वह चेतन वस्तु ही, सबकी यही परिस्थिति है, जिस चारों बातों में बीतती है उसका जन्म भी है और जो है जन्म मृत्यु, मृत्यु भी है, जरा व्याधि अर्थात रोग भी है और जिसमाप्ति भी है, चारों चीजें आती हैं, परंतु आत्मा जो है अजर है, अमर है, ये जो है ये मरती नहीं है, ना इसका जन्म है, तो इसलिए ये शरीर जो है ये मरता है, इसकी वृद्धावस्था आती ही इस प्रकार यही असमर्थ हो जाता है देखने में सुनने में भी, इसलिए शरीर रहते हुए, शरीर रहते हुए अपना कल्याण कर ले, शास्त्र में कहा है कि जितनी आप भक्ति करेंगे, ये शरीर रहते ये नहीं है कभी नहीं, जनार्दन ने जहां तक कहा कि जे शरीर जो कब समाप्त हो जाए, आप तो कह रहे थे जो उन्होंने विद्याधर ने कहा मंत्र ने कि आपकी जो बाल्यावस्था है बहुत समय है, अभी तो आपके खेलने कूदने के दिन है, तो उसने कहा आप अभी बतला रहे थे युवावस्था में मृत्यु, तो युवावस्था में भी मृत्यु हो सकती है, तो मृत्यु कब आ जाए, इसलिए यही समय है। तो कहते कि उसने राज्य का त्याग करते पिता को पता भी नहीं चला और वह बालक वहां से निकला और चुपचाप उसी संत के पास पहुंच गया जहां से महाराज ने उसको आशीर्वाद दिलवाया था, वहीं बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त कर वहीं साधना करने लगा और ऐसा वैराग्य हो गया, आप पिता ढूंढता ढूंढता जब जो है कहीं मिला नहीं, तो अंत में जब संत महाराज जी के पास गए तो उनसे प्रार्थना की महाराज मेरा पुत्र तो घर छोड़कर चला गया, पता नहीं कहां चला गया, उन्होंने कहा कि अंदर देखो बैठे समाधि में बैठा हुआ बालक, कहते तो अपने कल्याण के लिए जो है मैंने पहले ही कहा था, बहुत बड़ा वैराग्य संत होगा जी। तब जो है राजा ने जो है राजा को उस संत महाराज ने ज्ञान दिया कि इस प्रकार ये शरीर जो है जिसके लिए आप जो कहते सदा राजन जो रहने वाला नहीं है, एक दिन भी योग होगा, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब उन्होंने ज्ञान उसे दी, ज्ञान की बातें बतलाई, अब राजा घर वापस लौटे और राज्य चलाते हुए जो भक्ति जो है संत महाराज ने उसको बतलाई उसको भक्ति को करना शुरू किया, ऐसा ज्ञान हुआ और राजा को वैराग्य हो गया,
वैराग्य हुआ तो राजा पुनः संत महाराज के पास आया, उनकी शरण में कहा, महाराज अब मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र जैसे राज्य करे उसे संभाले, मैं अपना कल्याण कर सकूँ, आत्म कल्याण कर सकूँ। आपने जो मुझे उपासना बतलाई थी, जो मंत्र दिया था, जो दीक्षा दी थी, वह फलीभूत हुई है। अब मैं आनंदित हूँ और बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। अब इस जनार्दन को राज्य का कार्य जो है सौंपी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब संत महाराज ने उसे कहा कि आप जो है भगवान की साधना करते हुए प्रजा पालन कीजिए, राज्य चलाइए, अब तेरे माता पिता आत्म कल्याण कर सके। इसको राजा रानी दोनों जो है वहीं रहते हुए जो है इस प्रकार से संत महाराज के शरण में रहते हुए भगवान की साधना करते हुए पर मोक्ष को प्राप्त हो गए। सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ जयपाल से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हैं श्री जयपाल जी। जयकारा बोल सच्चे दरबार। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है।
पूछे नहीं है शर्मसार हूँ मैं, या कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, आदि या कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जय कर श्री बोल सच्चे दरबार की जय। चल बाक छोड़वा
बोल सच्चे दरबार की जय। बंधो कांचन रचिराक्षमाला कौश कुश भरदान्य बहुदंड विभ्राण मंगशकला वरणं प्रणेत्र अर्धांगिकेश मणिशं बपुराश्रयामी सच्चा ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यकर्मी हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में आज होली के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भान भवे श्रीमान जशस्वे भवे प्रज्ञा भान भवे भूर भूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य गर्भधारणे व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रेणाम देशो शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम अविदात शुभमान महीयते धनम धान्यम पशुम भोपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से सम्मानित करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय मैया जय श्यामा मैया जय मंगल मैया जय आनंद
ज्योतमली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे द्रव्य की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी, माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे, संभल करके बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि ध्वजो देहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखें, सुने और मणि मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए। जय माता दी। Thank you.
सबकी मनोकामना पूर्ण हो वो सत्य होली का पर्व आपने बड़े खुशी से बनाया तो आपने मिलजुल कर ही अच्छी तरह बनाया इसलिए आप सबको मुबारक है इसलिए आपने जोर से बोला वो सत्य वो सत्य